आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद मर्डर के बाद विवादों में घिरे पश्चिम बंगाल सरकार की मुखिया ममता बनर्जी ने मंगलवार को विधानसभा में रेप की घटनाओं को लेकर एक नया बिल पेश किया। इस बिल में पोक्सो, आईपीसी और भारतीय न्याय संहिता में रेप और सेक्सुअल क्राइम से संबंधित प्रावधानों में संशोधन का प्रावधान है। विधेयक के नए प्रारूप के मुताबिक अगर रेप या यौन उत्पीड़न की वजह से किसी की मौत हो जाती है या उसकी हालत गंभीर हो जाती है तो दोषी को मौत की सजा दी जाएगी। नए एंटी रेप बिल में प्रावधान किया गया है कि रेप या गैंग रेप करने वाले दोषियों को पूरी जिंदगी के लिए आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी। वेस्ट बंगाल क्रिमिनल लॉ एंड अमेंडमेंट बिल 2024 को अपराजिता महिला और बाल विधेयक का नाम दिया गया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में पेश एंटी रेप बिल यानी अपराजिता महिला और बाल विधेयक में रेप करने वालों के खिलाफ कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। सजा के लिए भारतीय न्याय संहिता यानी BNS 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण यानी पोक्सो एक्ट 2012 में संशोधन करने का प्रस्ताव है। विधेयक में ये प्रावधान किया गया है कि रेप के मामलों की जांच प्रारंभिक रिपोर्ट के 21 दिनों के अंदर पूरी की जानी चाहिए। अभी तक इस जांच के लिए 2 महीने की समय सीमा तय है। अगर केस दर्ज होने की तारीख से 21 दिनों के अंदर किसी वजह से जांच पूरी नहीं हो सकती है तो इसे पुलिस अधीक्षक या सीनियर अफसर के आदेश के बाद सिर्फ 15 दिनों के लिए बढ़ा सकेंगे। जांच अधिकारी समय सीमा बढ़ाने की वजह को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 192 के तहत बनाए गए केस डायरी में दर्ज करना होगा। कुल मिलाकर जांच 36 दिनों में पूरी करनी होगी। नए कानून में रेप के मामलों में जल्द फैसले के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का प्रस्ताव किया गया है। विधेयक के प्रारूप में बताया गया कि रेप के मामलों की जाँच विशेष टीम और सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी। जांच के लिए जिला स्तर पर टास्क फोर्स बनाया जाएगा जिसे DSP स्तर के अधिकारी लीड करेंगे। इस फोर्स में अनुभवी पुलिसकर्मी और तकनीकी तौर के सक्षम कर्मचारी शामिल होंगे ताकि पीड़ित परिवार को जांच के दौरान बार बार मेंटल ट्रामा से बचाया जा सके। 2020 में महाराष्ट्र विधानसभा ने शक्ति आपराधिक कानून विधेयक पारित किया था। ये बिल केंद्र सरकार और राष्ट्रपति को मंजूरी के लिए भेजा गया मगर उस पर अभी तक कोई निर्णय नहीं आया है। अब NCP, SCP सांसद सुप्रिया सूले ने इस मुद्दे को उठाया है। सुप्रिया सूले ने कहा कि जब उद्धव ठाकरे की महाविकास अघाड़ी सरकार सत्ता में थी तब अनिल देशमुख शक्ति विधेयक लाए और इसे दिल्ली भेजा लेकिन तब मोदी सरकार थी, उन्होंने कुछ नहीं किया। आज NDA सरकार है लेकिन दुर्भाग्य से उन्होंने भी कुछ नहीं किया। अब इंडिया गठबंधन के नेता देश के गृह मंत्री से मिलेंगे और उनसे इस विधेयक को मंजूर करने का अनुरोध करेंगे।